हाय एवरीवन, मेरा नाम विनाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन को कैसे डिलीट कर सकते हैं। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन को कैसे लाया जा सकता है। आप सबने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो पर प्यार दिया और आप लोगों ने पूछा था कि बूस्ट पोस्ट का मतलब भी क्या होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देखें ज़रूर, और आप लोग का आंसर मिल गया। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका भी कॉमेंट पिक हो जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप को कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग को इंस्टाग्राम में पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन को कैसे डिलीट करना। इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएना है, और शुरू से लास्ट तक देखिए। और चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ऑल कीजिए, ताकि जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन होगी आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देर में शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होगा, और आप सबका भी यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों ने कमेंट किया था इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, बट हो नहीं रहा, इसका एक कारण है। अब सबसे पहले तो आप लोग को सेटिंग्स में जाना, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ। और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद एप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना, आपका एप्स का ही ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं एप्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आप लोग को इंस्टाग्राम पर जाना है, और यहाँ पर क्लियर चेक कर लेना है, स्टोरेज में जाना है। और यहाँ पे क्लियर चेक करने के बाद आप लोगों को एक काम और करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करना है प्ले स्टोर में, और इसको अपडेट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे हम इंस्टाग्राम ओपन की और यहाँ पे अपडेट कर लेना, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को अपडेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। देख सकते हो कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया, और यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल पे विजिट करना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में आप लोगों को सबसे ऊपर यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, उस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे की ओर आने का तो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे आना, और यहाँ पे देख सकते हो स्विच अकाउंट टाइप्स लिखा हुआ, और एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, तो स्विच टाइप यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिंपली उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे देख सकते हो स्विच टू बिजनेस अकाउंट, और यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो गाइस, यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हो स्विच टू पर्सनल अकाउंट वी यू स्विच टू बैक टू पर्सनल अकाउंट ऐप इंस्टेट विद टर्न ऑफ, मतलब जो इंस्टेंट जितना भी ऑप्शन है सारा कुछ ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली से हम यहाँ पे लिख देते हैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं, और ये हो चुका है पर्सनल अकाउंट, और इसमें कोई भी आप जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सिंपली से हम बैक आते हैं, और यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल पर आ जाते हैं। गाइस, देख सकते हो कि यहाँ पे हट चुका है, और यहाँ पे मैंने फोटो पर क्लिक किया, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरा हट चुका है। देख सकते हो कि नहीं है बूस्ट पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा था, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मारो, और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा नहीं था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।